एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट ऑल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन प्रीवियस थ्योरम्स ऑफ चैप्टर 6। तो हमने हमारे प्रीवियस कुछ पार्ट्स में सभी थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था, सभी थ्योरम्स को डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं थ्योरम्स के बेस पे सभी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके जो सॉल्यूशन होंगे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होंगे उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। अब वहाँ से जाके चेक कर लेना, उसमें आपको सब सॉल्व एक्सरसाइज मिल जाएंगे। तो आप एग्जांपल के थ्रू समझो, क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लेना, वहाँ आपको सॉल्व एक्सरसाइज मिलेगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। सो नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। उन्होंने क्या बोला एग्जाम्पल में कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, वहां पे आपकी जो एक साइड है ए बी उसको कुछ कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट डी पे एंड दूसरी आपकी साइड को ए सी को आपको ए सी साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट ई पे, देन आपके पास जो डी ई है वो किसके पैरेलल होगी, बी सी के पैरेलल होगी। और आपको प्रूफ करना है कि ए डी बाय ए बी कंप्लीट एंड ए ई बाय कंप्लीट ए सी, इस चीज को आपको प्रूफ करना है। तो देखो आप कैसे प्रूफ करोगे, आपकी जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के, ये चीज आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, ए डी बाय में ए बी एंड ए ई बाय में ई सी। तो उसके लिए आप क्या लेके चलोगे, ए डी बाय में डी बी एंड ए ई बाय में ई सी। देन आपके पास ये कैसे आया, थ्योरम 6.1 से आया। आप थ्योरम 6.1 एक बार दोबारा चेक कर लेना, उसके बेस पे ये हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है। तो देखो ए डी बाय में डी बी एंड ए ई बाय में ई सी, ये वाली आपकी जो लाइन है। एंड नेक्स्ट आपके पास डी बी बाय में डी बी बाय में ए डी एंड ई सी बाय में ए ई, देन आप क्या करोगे इसमें 1 and 1 दोनों साइड ऐड कर लोगे। इस चीज से हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अगर आप ना भी ऐड करो दोनों को तो आपके पास वो सेम साइड बच जाएंगी, बट हमने क्या करना है सॉल्व करना है, तो इसी वजह से हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो हमने दोनों को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आप यहाँ से एलसीएम लेते हो, देन एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आती है, यहाँ से डी बी बाय में ए डी प्लस में ए डी, यानी कि डी बी प्लस ए डी। तो डी बी प्लस ए डी आपके पास क्या बनता है, डी बी प्लस में ए डी आपके पास क्या बनेगी, पूरी ट्रायंगल क्या, पूरी साइड क्या बनेगी, ए बी। एंड सिमिलरली आपके पास जब आप ई सी में ए ई ऐड करोगे, ई सी में अगर आप ए ई ऐड करोगे देन आपके पास क्या बनेगा, ए सी। देन आपके पास यहाँ से क्या आएगा, ए बी बाय ए डी एंड ए सी बाय ए ई। एंड सो आपके पास क्या हो जाएगा, इससे ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि आपके पास ए डी, ए डी बाय में कंप्लीट ए बी एंड ए ई बाय में कंप्लीट ए सी, आप इसको इन्वर्स करके लिख सकते हो। देन इसको हम रिटर्न में प्रूफ करते हैं, देखो कैसे। वैसे मैंने आपको एक बार बता दिया बट मैं आपको रिटर्न में भी करके बता देती हूँ, देखो कैसे होगा। आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहां पे आपके पास क्या है डी और ई, आपके पास क्या है पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो है ए डी बाय में ए बी एंड ए ई बाय में ए सी, ये आपको क्या करना है प्रूफ करना है ये। देन प्रूफ आपके पास क्या होगा कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। देन आपके पास जो साइड ए डी है वो किसके हैं, डी बी के, एंड ए ई ई सी के इक्वल है। देन आप क्या करोगे उसके बाद, डी बी बाय में ए डी इज इक्वल्स टू ई सी बाय में ए ई, ये चीज़ भी आप इन्वर्स करके लिख सकते हो इस चीज़ को। देन आपके पास क्या करते हो, दोनों में आप 1 1 ऐड कर लोगे, क्योंकि आपके पास इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐड करने का। देन आपके पास ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए ई बाय में ए ई। देन
डीबी एंड एडी, डीबी प्लस में एडी आपके पास कंप्लीट क्या बनेगी, एबी बाय में एडी, एंड ईसी प्लस एई आपके पास क्या बनेगी, वो आपके पास बनेगी एसी बाय में एई। देन आप इसको इन्वर्स करके लिख सकते हो, एडी बाय में एबी एंड एई बाय में ईसी। तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। देन हमारे हमारा एग्जांपल क्या हो गया, ये चीज़ प्रूफ हो गया कि ए डी बाय में ए बी एंड ए ई बाय में ई सी। तो आप नेक्स्ट थ्योरम के बेस पे एग्जांपल देखो, अब क्या है आपके पास, क्या दिया है सेकंड थ्योरम आपके पास, थ्योरम 6.2 के बेस पे हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। आप देखो वो क्या होगा, 6.1 थ्योरम के बेस पे हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिया, अब 6.2 थ्योरम के बेस पे हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इन फिगर 6.16 आपको एक फिगर दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर, और उसके आपके पास क्या है पैरेलल में, यानी कि जो एस पॉइंट है वो पी क्यू को कट कर रहा है एंड टी पॉइंट पी आर को कट कर रहा है, पी आर साइड को। तो एस टी आपके पास क्या है क्यू आर के क्या है पैरेलल है। देन आपको प्रूफ क्या करना है, पी एस बाय एस क्यू एंड पी टी बाय में टी आर, और जो आपकी ट्रायंगल है पी एस टी वो किसके इक्वल है पी आर क्यू ट्रायंगल के इक्वल है। और आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें पी क्यू आर क्या है आपको आइसोलेस ट्रायंगल है, इसको ये चीज प्रूफ करनी है। तो सॉल्यूशन में आपको क्या गिवन है, पी एस बाय में एस क्यू, यानी कि पी एस बाय में एस क्यू, पी टी बाय में टी आर, एंड एस टी किसके पैरेलल है क्यू आर के, एस टी पैरेलल है क्यू आर के। तो जो आपकी ट्रायंगल है पी एस टी वो किसके इक्वल है पी क्यू आर के, क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपके पास क्या है इक्वल है क्यू एंड एस। देन आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे लो। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि ट्रायंगल जो आपके गिवन है पी एस टी किसके इक्वल है पी आर क्यू के। देन आपके पास जो पी आर क्यू है, जो पी एस टी आपके पास किसके इक्वल था पी क्यू आर के इक्वल था, यहां से देखो पी एस टी आपके पास किसके इक्वल था पी क्यू आर के इक्वल था, और यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है उन्होंने कि जो पी एस टी किसके इक्वल है पी आर क्यू के है, देन पी आर क्यू किसके इक्वल आ जाएगा पी क्यू आर के फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इससे आप ये चीज प्रूव कर सकते हो कि पी क्यू किसके इक्वल है पी आर के, साइड अपोजिट द इक्वल एंगल, यानी कि साइड अपोजिट है इक्वल एंगल्स की, देन पी क्यू आर इज एन आइसोलेस ट्रायंगल। तो ये था आपका 6 पॉइंट थ्योरम के बेस पे एक एग्जाम्पल।